गुमला जिले पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, कामडारा थाना क्षेत्र के रामतोलिया गांव के पीछे नदी किनारे स्थित जंगल से पीएलएफआई नक्सली के एरिया कमांडर व 1 लाख का इनामी नक्सली ओझा पहान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के नियत से योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि रामतोलिया गांव के नदी स्थित जंगल में पीएलएफआई के नक्सली घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर बसिया अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया व रामतोलिया जंगल से सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान नक्सली की जथा को देखा तो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस दल बल के द्वारा खदेड़कर 1 लाख का इनामी नक्सली पकड़ा गया। वहीं बाकी नक्सली भागने में सफल रहे। नक्सली से पूछताछ के दौरान अपना नाम ओझा पहान पीएलएफआई एरिया कमांडर है तथा रामतोलिया एवं बकसपुर यानी खूटी क्षेत्र में पीएलएफआई गठन के लिए काम करते थे। गिरफ्तार ओझा पहान के ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 1 लाख का इनामी नक्सली है, जिसके विरुद्ध कामजारा थाना में 4 मामले दर्ज है व बसिया थाना में 1 मामला दर्ज है। ये नक्सली पकड़े जाने से बसिया, कामजारा, तोरपा, लापुंग थाना को मिली है बड़ी राहत। वहीं जिले के एसपी हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि नक्सलियों से आग्रह है कि अब भी समय है, सिलेंडर कर दे, नहीं तो गोली खाकर मौत के लिए तैयार रहे। 4 बजे एक सूचना मिला कि कामडारा थाना अंतर्गत रामतुलिया जंगल में पीएलएफआई के एरिया कमांडर और 1 लाख इनामी नक्सली ओझा पहान एक जगह पर छिपा हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन का सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसडीपीओ बसिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा भोर में उस जंगल में रेड मारा और सर्च अभियान चलाया और पुलिस पोस्ट को देखते हुए एक आदमी भागने लगा और पुलिस वाला उसको खदेड़ के पकड़ा। जब इनसे पूछताछ किया तो ये अपना नाम ओझा पहान बताया, जो पीएलएफआई का उस इलाका का एरिया कमांडर है। और अभी इनको हम कामडारा थाना ले आया है और इनसे अभी हम लोग पूछताछ कर रहा है इनका और सहयोगी कौन कौन है, इनको हथियार का सप्लाई कहाँ से होता है, इनका लेवी का कलेक्शन कौन करता है, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। और अभी इस मंच के माध्यम से मैं हमारा इलाका का और बाकी जो नक्सली पीएलएफआई का है, जैसे राजेश गोप हो गया, शनिचर सुरीन हो गया, संजय सुरीन हो गया है, मैं सबको यही वार्निंग देता हूँ। वार्निंग और आप इसको रिक्वेस्ट समझिए, वार्निंग समझिए, आप पॉसिबल है तो जितना जल्दी सरेंडर करना है आप तो सरेंडर कीजिए। जंगल से आपको मिलेगा, हथियार के साथ आपको मिलेगा, मुठभेड़ में आपको मरे जाने का संभावना बहुत ज़्यादा है। आपके लिए अभी पुलिस पूरा सख्त तरीके से कार्रवाई कर रहा है। पीएलएफआई को हम लोग किसी भी हालत में गुमला से हम क्लीन कर देंगे, तो आप जल्दी सरेंडर कीजिए या पुलिस का गोली खाने के लिए तैयार रहिए। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।